बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूबी चटपट किचन। अल्लाह बरकत डाले हमारे खानों में। कैसे हैं आप सब? आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी ले के आई हूँ। क्विक रेसिपी है, इजी है और बहुत ही मज़े की है। मैक्रोनी नूडल्स, वेजिटेबल्स, चिकन वाली स्पेगेटी। तो मैंने पोटैटो ले लिए थे तकरीबन 3-4, उन्हें बहुत अच्छी तरह से कट करके वॉश कर लिया था। मटर लिए थे 1 कप, साथ में मैक्रोनी 1 कप, नूडल्स का 1 पैकेट। मटर और पोटैटो को मैंने वॉश कर लिया था, साथ में टमाटो केचप और सोया सॉस। बहुत मज़े की और बहुत अच्छी मैक्रोनी बनती है। इस तरह से एक बॉल ले दिया था, उसमें मैंने पानी बॉईल कर लिया था। जब पानी हमारा बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गया तो उसमें ऑयल के चंद कतरे ऐड कर दिए ताकि मैक्रोनी हमारी जुड़े नहीं, जब हम उसे बॉईल करें तो अच्छी तरह से अलग अलग हो। पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना चाहिए और थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड कर लेना चाहिए तो मैक्रोनी अच्छी तरह से बन जाती है, जुड़ती नहीं है। साथ में इसे 3-4 मिनट के लिए बस बॉईल पानी हुआ हुआ है तो बॉईल करें, ना ज़्यादा कच्ची रहे और ना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाए गल के। तो चिकन ले लिया था मैंने, साथ में आलू के छोटे छोटे पीस कर लिए थे और चिकन के भी छोटे छोटे पीस कर लिए थे, उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। एक तरफ मैंने नूडल्स बॉईल करने के लिए रख लिए थे और एक तरफ सारी वेजिटेबल और चिकन, जिसमें हमारे मटर थे, मैक्रोनी थी, चिकन था, आलू थे। तो ये भी अच्छी तरह से बॉईल हो गए। जब बॉईल हो गए तो इन्हें मैंने अलग से बॉल में बाहर निकाल लिया। ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी तरह से हमारे बॉईल हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा बॉईल भी नहीं करने चाहिए और ज़्यादा कच्चे भी नहीं रहने चाहिए। जब मैंने मसाला अच्छी तरह से देगची में फिर बना लिया था, जैसे हम लोग चिकन का मसाला बनाते हैं, उसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड की हैं जो मैंने बॉईल की थी, चिकन वेजिटेबल्स। और फिर मैंने स्पेगेटी इसमें ऐड कर दिया बॉईल करके तकरीबन 2 कप। जब इन्हें मिक्स कर लिया तो इसमें सिरका ऐड किया, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड करें सिरका वगैरह और चिली वगैरह। सोया सॉस है, सोया सॉस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था तकरीबन 2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। बहुत अच्छी तरह से ये हमारी स्पेगेटी बनती है। ये क्विक रेसिपी है, इजी रेसिपी है और डिफरेंट रेसिपी है। साथ में ये मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था तकरीबन 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस है, ये भी 1 टीस्पून तकरीबन ऐड कर दिया था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। केचप भी ऐड कर दिया है। तो माशाल्लाह से हमारी चिकन वेजिटेबल्स नूडल्स मैक्रोनी स्पेगेटी रेडी हो चुकी है। काफ़ी डिफरेंट रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी है, क्योंकि आप इस तरह से भी बना के खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम केचप फिर डाल लेते हैं अपनी टेस्ट के मुताबिक, जितना भी आपको अच्छा लगे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, आप इस तरह से बनाएं और खाएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद करें, फीडबैक दें बना के खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।